नमस्कार दोस्तों, लोकसो टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। ये लोंगेवाला युद्ध स्थल पर हम खड़े हैं यहाँ पे, और ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर पड़ता है, पाकिस्तान बॉर्डर के पास का एरिया है। ये तनोट माता मंदिर से 39 किलोमीटर और जैसलमेर से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोंगेवाला की लड़ाई 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में लड़ी गई थी। प्रमुख निर्णायक लड़ाइयों में से ये एक लड़ाई थी। 4-5 दिसंबर 1971 की रात को 4000 सैनिकों, T-59 शेरमैन टैंकों और एक मध्यम तोपखाना बैटरी वाली 4 पाकिस्तानी सेना ने 23 पंजाब के कब्जे वाली लोंगेवाला सीमा चौकी पर कब्जा कर दिया। इधर भारतीय चौकी पर 120 जवान थे। यह लड़ाई 120 भारतीय सैनिकों व 4000 पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ी गई, जिसमें पाकिस्तान के 40 टैंक और 2 तोपखाने थे। इधर 120 जवान थे। इंडिया के पास 120 जवान थे, जबकि पाकिस्तान के पास 4000 जवान थे। और इंडिया के पास 2 मशीन गन थी, पाकिस्तान के पास 40 टैंक थे। इंडिया के पास L-1 16-8 1 mm Marder AIAT रॉकेट लॉन्चर था, एक 2 जोगा ब्रॉन 106 mm M-40 RL गन थी और 10 ऊंट थे, 3 HAL थी, जबकि पाकिस्तान के पास 2 तोपखाना, 1 फील्ड रेजिमेंट थी पूरी। इसके अंदर जो निर्णायक लड़ाई हुई, इसके अंदर नुकसान किसको क्या हुआ, इसमें भारत जीता, पाकिस्तान हारा। पाकिस्तान के 200 जवान से इसके अंदर मारे गए, भारत के 2 जवान मारे गए। पाकिस्तान के 36 टैंक नष्ट हुए, भारत की 1 जोंगा और 1 M-40 40 राइफल नष्ट हुई। भारत के 5 ऊंट मारे गए इस लड़ाई के अंदर। पाकिस्तान के 500 कुछ वाहन के आसपास नष्ट हो गए, कुछ छोड़कर पाकिस्तानी यहां से भाग गए। दोस्तों, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमान वाली भारतीय सेना 23B बटालियन पंजाब रेजिमेंट की कंपनी के पास या तो पाकिस्तानी सेना के सामने डटकर मुकाबला करने का विकल्प था या भाग जाने का विकल्प था। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तान की 4000 सेना वाली मिलिट्री के सामने डटकर मुकाबला करने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी मजबूती के साथ मुकाबला करने का प्रण लिया और दुश्मन से यह एहसास कराया कि यहाँ 120 नहीं, कुछ ज्यादा ही सैनिक हैं। उन्होंने सूझबूझ से पूरा काम लिया और पूरी डटकर मुकाबला किया। जो आपको ये जो टैंक नजर आ रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान के टैंक हैं जो लड़ाई के अंदर नष्ट हो गए थे। तो पूरा डटकर मुकाबला कुलदीप सिंह चांदपुरी ने किया। और जो रेत के अंदर नजर आ रही आपको, यहाँ मिसाइलें वगैरह बिछा दी, कुछ टीफन थे, टीफन वगैरह डाल के कुछ उनके ढक्कन, ताकि वो लाइट जब उनकी पड़ी तो चमके। तो पाकिस्तानियों को यह वहम हो गया कि यहाँ तो कुछ ना कुछ बम वगैरह लगा रखे हैं। उन्होंने बम्बों का दस्ता वगैरह जो है ना डिस्फ्यूज करने में टाइम खराब कर दिया। तो तब तक सुबह से हमारे दिल्ली से हमें सहायता मिल गई। हमारे फाइटर प्लेन दिल्ली से 4 बजे चल पड़े और सुबह सुबह 5:30-6 बजे यहाँ तक पहुँच गए। फाइटर प्लेनों ने उन पर बमबारी शुरू कर दी, तब हम ने लड़ाई जीती। इसके अंदर इंडिया की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई। वो एक कहावत है पंजाब की कि चिड़िया बाज नाल लड़ाऊं तो गोविंद नाम कुआऊं, यानी कि 120 जवानों ने 4000 जवानों को परास्त किया। मुंह की खाने पड़ी, पाकिस्तानी जो थे ये छोड़कर भागे यहाँ से। और ये आपको जो नजर आ रहा सामने मेरे दिख रहा है, पूरा रेगिस्तान का एरिया है, जैसलमेर का बिल्कुल टिब्बे और रेतीली जमीन है। इसके अंदर माइंस लगा दिए यहाँ लड़ना। वो जो सामने नजर आ रही है वो आपको, वो पाकिस्तान की सीमा है, उधर से वो आए थे और इधर हमारे 120 जवान थे, यहाँ से मुंह की खा के भागे। और इस निर्णायक लड़ाई में भारत की जीत हुई, भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई। ये देख रहे हैं आपको झाड़ियां जो नजर आ रही हैं आपको, देख रहे हैं ना, ये देखो ये सब रेतीला एरिया है। और ये देखो पूरा ये रोड आ गया है, भारतमाला प्रोजेक्ट, जो बॉर्डर लाइन नजर आ रही है ना आपको, उधर वो साइड से पाकिस्तान है नजर आ रहा जो आपको। ये बिल्कुल रेत के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी।
ये जो नजर से आ रही है ना जो नाली से दिख रही है, ये हमारे बॉर्डर के वो थे मोर्चे जहां से हमारे सैनिक डटे हुए थे, उनकी यादगार में थोड़ा पक्का कर रखा है। इसमें ये स्टेम है और आप देख रहे हैं जैसलमेर के अंदर ये लोंगे वाला का वीडियो। ये देखो ये टूरिस्ट भी यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। वो जो पीछे नजर आ रही है पाकिस्तान उस साइड से जो नजर आ रही है आपको, वो पाकिस्तान की बॉर्डर है, उधर से इधर आए थे। ये देखो आप देख रहे हैं पूरा लोंगे वाला का हिस्ट्री, और बिल्कुल रेत के अंदर मरुस्थल के अंदर लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई की समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका के प्रधानमंत्री भी यहां पर आए थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एक बॉर्डर फिल्म बनी है सनी देओल की, वो इसी पर बनी है। बॉर्डर फिल्म जो फरमाई गई है उसके अंदर सनी देओल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल अदा कर रहे हैं, और वो सेम लोंगेवाला, बैटल ऑफ लोंगेवाला पर ही आधारित फिल्म बनाई गई है। जो उसके अंदर दिखाया गया सब एज इट इज सेम है, और यहाँ एक फिल्म भी चलती है 16 मिनट की, उसके अंदर दिखाया जाता है कि लोंगेवाला की लड़ाई कैसी हुई, कुकर की हुई, जो भी कुछ इसके अंदर दिखाया जाता है, आप उसकी टिकट लेकर देख सकते हैं। धन्यवाद।